मोदी जी कहते हैं किसान को मैंने आजाद किया। कैसे आजाद किया? अब किसान अपना धान, अपना गन्ना, अपना मक्का कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी जाके बेच सकता है। अरे नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, क्या किसान हवाई जहाज से जाके बेचेगा या सड़क पे चलेगा? और सड़क पे चलेगा तो बिहार में सड़क कहां है? नरेंद्र मोदी किसान से कहते हैं मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जहां भी जाना चाहते हो अपना मक्का धान बेच सकते हो, एक भी सड़क नहीं बिहार में, एक सड़क आपको नहीं मिलेगी, कैसे बेचेगा? किसको आजाद किया आपने? किसको आजादी दी? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को आपने आजाद किया, आजादी दी, और किसान को, मजदूर को आपने गुलाम बनाया। पूरा देश देख रहा है। देखिए, अगर दिल में कुछ होता नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान के लिए, मजदूर के लिए जगह होती, तो जो कोरोना में हुआ वो नरेंद्र मोदी कभी नहीं करता। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिल में मजदूर के लिए, किसान के लिए जगह होती तो मर जाता, मगर जो नरेंद्र मोदी ने किया वो नहीं करता। और ये पूरा बिहार जानता है। कोरोना आता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना आता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों बहनों, 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन की लड़ाई। अच्छा भाइयों और बहनों, 22 दिन में कोरोना को हम मिटा देंगे। भाइयों बहनों, एक काम करो, थाली निकालो, बजाओ उसको, कोरोना भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। जब कोरोना नहीं भागा तो कहते हैं भाइयों और बहनों, मोबाइल फोन निकालो, लाइट जलाओ। मतलब ये व्यक्ति सोचता है कि हिंदुस्तान की जनता में कोई भी अकल नहीं, कोई समझ नहीं, 24 घंटे से बोलने जाता है, बोलता है। और क्या किया नरेंद्र मोदी ने? बिना कोई वार्निंग, बिना कोई नोटिस लॉकडाउन कर दिया, बिना किसी को बताए, जैसे नोटबंदी की वैसे लॉकडाउन किया। और जो बिहार के मजदूर थे, गरीब मजदूर, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, उन सबको पैदल भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर यहां वापस जाना पड़ा। क्या जिस प्रधानमंत्री ने यह किया बिहार के मजदूरों के साथ, क्या उसमें मजदूरों के लिए दिल में इतनी सी भी जगह है? ना, मैं मिला कोरोना के समय, मैं दिल्ली में भाग गया, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, मैं मजदूर, मैंने मजदूरों से बात की, मजदूरों ने मुझसे एक सवाल पूछा, कहते राहुल जी हमें एक बात नहीं समझ आई, ये जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने हमें 2 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया? हम रोज काम करते हैं, हमें रोज पैसा मिलता है, 2 दिन में 2 दिन नोटिस नहीं दी इसने हमें, क्यों नहीं दी? अगर ये हमें 2 दिन छोड़िए, अगर 1 दिन नोटिस दे देते हम ट्रेन में बैठ कर वापस चले जाते। मजदूरों ने मुझे पूछा कि इस प्रधानमंत्री ने हमें 5 मिनट नोटिस क्यों नहीं दिया? और मैंने उनसे पूछा बताओ क्यों नहीं? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री, मैं आपको उनके शब्द बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री अमीरों का है, गरीबों का नहीं। तो आपके जेब में से पैसा निकालते हैं,
हर साल यहां बाढ़ आती है। आपको गन्ने के लिए मक्के के लिए सही रेट नहीं देते, फिर आपके युवा यहां से भाग के बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन करके डंडा मार के उनको वापस दिखाता है। और फिर सबसे अच्छी बात, उसके बाद नरेंद्र मोदी नीतीश जी बिहार में आके बिहार के युवाओं से वोट मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। नीतीश जी, आपने क्या किया पिछले 5 सालों में? आप यहां वोट मांगने आते हो, आपने किया क्या? आपने शर्म दी? नहीं। आपने गन्ने की शुगर मिल या मक्के की फैक्ट्री थी? नहीं। आपने जब बिहार के मजदूर पैदल चल रहे थे, आपने उनकी मदद की? नहीं। आपने उल्टा उनकी पिटाई की, उन पर लाठी चलवाई, उनको बंद करवाया? तो मतलब आप कैसे आके बिहार की जनता से वोट मांग रहे हो? शर्म नहीं है? आप जाइए छत्तीसगढ़, जाइए छत्तीसगढ़ जाइए और वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको क्या रेट मिलता है, और छत्तीसगढ़ का हर एक किसान आपको बोलेगा हमें 2500 रुपए क्विंटल धान का रेट मिलता है। हम चुनाव में हमने कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान को 2500 रुपए क्विंटल रेट पैसा मिलेगा। आज जाइए कहीं भी छत्तीसगढ़ में, किसी भी किसान से पूछ लीजिए 2500 रुपए मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार चलाते हैं, किसानों की नहीं चलाते, मजदूरों की नहीं चलाते, गरीबों की नहीं चलाते। और मैं यहां आया हूं आपको गारंटी देने कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीबों की होगी, किसानों की होगी, हर जात की होगी और हर घर की होगी। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा मैं यहां स्टेज पे आ रहा था और मुझे शरद यादव जी की याद आई और दुख हुआ। खुशी का दिन है, मैं आपसे मिला, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, मगर दिल में दुख भी है, शरद यादव जी बीमार हैं और वो आज यहां नहीं है। आपका शरद यादव जी की हिस्ट्री, उनकी राजनीति गरीबों की राजनीति, और पहले शरद यादव जी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में, 3-4 साल पहले आंध्र प्रदेश में एक प्रोग्राम हुआ और उसमें मैं भी गया और शरद यादव जी भी गए, और पहली बार हम मांग रहे, और शरद यादव जी का मैंने भाषण सुना, पहली बार मैं स्टेज पर मिला, और फिर जब हम वापस जा रहे थे मैंने देखा कि काफी भीड़ थी, धक्का धक्का मुक्की चल रही थी, तो मैंने देखा कि शरद यादव जी खड़े थे, तो मैंने शरद यादव जी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया, और 2 घंटे का रास्ता था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 घंटे में
जो यादव शरद यादव जी ने मुझे सिखाया हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, शायद उससे ज्यादा किसी ने नहीं। और आज मैंने उनकी बेटी से कहा, आपने देखा होगा कि मैं स्टेज पे उनसे बात कर रहा था, आज मैंने उनकी बेटी से कहा, देखो तुम्हारे जो पिता आज अस्पताल में है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, एक प्रकार से हमारे इतिहास में वो मेरे गुरु हैं, और अगर वो मेरे गुरु हैं तो तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। तो ये अब मैं आपसे, मैंने ये किसी और से नहीं पूछा है, मैंने ये बात बिहार के चुनाव में किसी और भाषण में नहीं कही जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। मैं आपसे गारंटी चाहता हूं कि शरद जी की बेटी को आप चुनाव जिताओगे। मैं